हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वंदन करते हैं हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। अगर आप अभी महाकाल के भक्त हैं तो जय महाकाल का कमेंट जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमें कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है जिससे हमारे जीवन में मनोकामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके घर में दिख जाए इस तरह की चीज़ें तो तुरंत करें यह काम, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी और आपके कार्य निश्चित तौर पर बनने लगेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहली तो कौन सी मुख्य चीज है? दोस्तों, जब भी आप सुबह के समय उठते हैं, नहा धोकर या नहाने से पहले भी उठते हैं और सबसे पहली नजर आपके घर के मुख्य द्वार से, आपकी बालकनी से, आपको किसी गाय के सामने आपकी नजर आपकी पड़ती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह सुबह गाय को देखना अर्थात की 33 कोटि देवताओं के दर्शन करने के समान माना गया है। इससे बड़े कोई दर्शन नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सुबह आपको नियम बना लेना है कि जब भी आपको कोई गाय दिखे या आप कोई कार्य हेतु बाहर जाने वाले हो और आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य सफल हो जाए, उस कार्य में आपको 100% सफलता मिले, तो आपको केवल और केवल जो आप अपने घर में आटे की रोटी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा घी लगाकर आपको उसमें गुड़ की एक डली डालकर गाय को खिलानी है। आपका निश्चित तौर पर जो कार्य है वह बन जाएगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपके घर के सामने गाय आती है तब भी आपको यही विधि करनी है और आपको अपनी जो भी मनोकामना है वह गौ माता से बोल देनी है, अर्थात कि आपको सारे भगवान से आप अपनी मनोकामना बोल पाएंगे। इतना कर लेने मात्र से आपके कार्य में कभी भी विघ्न नहीं आता है, वह कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है और उस कार्य में आपको सदैव के लिए विजय प्राप्त होती है। बहुत ही छोटा सा और असरदारक उपाय है अगर आप इसको करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें, दोस्तों अगर आप अपने घर में कोई कार्य कर रहे होते हैं और अचानक आपके बालों पर छिपकली आ घिरती है, कई बार ऐसा देखने को आया है, अगर ऐसा होता है तब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। छिपकली का बालों पर गिरना किसी खतरे को संकेत देता है, तब आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी घटना आपके साथ घटित हो जाती है तो आपको आपके घर के पूजा कक्ष में आना है और पूजा कक्ष में आने के बाद एक दीपक आपको भैरव के नाम का अलग निकाल कर जलाना है और उनसे आपको आशीर्वाद लेना है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली है उनका निदान करें और आपके जीवन में सदैव मंगल कार्य होते जाए तो वह आपकी दुर्घटना टल जाती है और आपके वह दुख और दारुण्य अपने आप ही दूर होने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में बैठने वाले हो या फिर नहाकर आ रहे हो और आपको कोई छिपकली के दर्शन हो जाएं तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यह आपके जीवन में लक्ष्मी आने के संकेत लेकर आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर आपको उसी क्षण थोड़ा सा कुमकुम लेकर उस स्थान पर जहां पर आपको छिपकली दिखी थी वहां छिटक देना है और आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आपको तुरंत बोल देनी है, तो आपकी वह मनोकामना पूरी होती है और आपको कभी भी आपके कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है।
दोस्तों दूसरी अगर किसी चीज की बात करें तो आपने को सरल और साधारण ही है कि अगर आप किसी कार्य विशेष हेतु जाने वाले होते हैं और आपको चाहिए कि आपके वह कार्य बन जाए तो आपको अपने माता पिता और पितृदेव को याद करके आपको उस कार्य हेतु जाना चाहिए और पितरों के निमित्त एक लाल धागा अपने हाथ में धारण करके आपको उस कार्य हेतु जाना चाहिए तो आपका वह कार्य संपन्न हो जाता है। दोस्तों इसी तरह आज हम आपको एक बहुत ही साधारण उपाय बताने वाले हैं जिसको आप कीजिएगा आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय एक लाल धागे का उपाय है। दोस्तों यह उपाय कौन कर सकता है, तो अगर आप विवाहित हैं और घरेलू जीवन में परेशानियां चल रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा बहुत ही जरूरी है और शिक्षा प्राप्ति अच्छी नौकरी प्राप्ति है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने जीवन में अपना भला और दूसरों का भला चाहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है तो वह इस उपाय को कर सकता है। आपको क्या करना है कि एक लाल धागा लेना है और इस लाल धागे को 7 गांठें लगानी है। 7 गांठें लगाने के बाद जो बीचों बीच में गांठ आती है, अर्थात की 3 एक तरफ और 3 एक तरफ के बाद जो बीचों बीच गांठ आती है वहां पर आपको एक लौंग बांध देना है। आपको इस लौंग को बांधने के बाद हनुमान मंदिर में चले जाना है और हनुमान मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि इन गांठों पर आपको हनुमान जी के चरणों का या हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर होता है वह आपको लगा देना है। उसको लगाने के बाद आपको इस धागे को अपनी मुट्ठी में बंद करके एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई का आपको 21 बार जाप करना है। और दूसरी चौपाई है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इस चौपाई का भी आपको जाप करना है। दोस्तों इन चौपाइयों का अगर आप जाप कर लें तो आपको अपने घर चुपचाप चले आना है। अगर आप धन की कामना चाहते हैं तब आपको अपने घर की अलमारी में इस धागे को रख देना है। अगर आप अपने घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस लाल धागे को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको बांध देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी जीवन अच्छा रहे या आप जिस कार्य हेतु जाए तो उस कार्य में आपको सफलता मिले तो आपको अपने हाथ की कलाई में इस धागे को बांध देना है। लेकिन हाथ में बांधते समय आपको उस लौंग को निकालकर अपने पर्स में रख देना है। दोस्तों यह लाल धागे का इतना चमत्कारी उपाय है कि निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आपको आपके कार्यों में सदैव संपन्न गति से होते रहेंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों इसी तरह अगर कोई व्यक्ति रात्रि में अचानक उठ जाता है, बुरे स्वप्न आते हैं और वह इन स्वप्न से निजात चाहता है और वह चाहता है कि रात्रि में अचानक नहीं जगे, तो आपको अपने सिरहाने में कांच के गिलास में पानी भरकर अगर आप रख रहे हैं तो इससे तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे नकारात्मकता सोख नहीं पाता है कांच, बल्कि आपको क्या करना है कि कांच की एक कटोरी में नमक जो आपके घरेलू कार्यों में यूज होता है वही नमक आपको इस कांच के कटोरे में डालकर आपको अपने शयन कक्ष में रखना है, अपने तकिए के पास रखना है, तो निश्चित तौर पर आपको पूरे स्वप्न आने बंद होंगे और आपको कभी भी नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव नहीं बता पाएगी और आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे उपाय जिनको अगर आप कीजिए, अगर आपके सुबह छिपकली दिखाई देती है और गाय दिखाई देती है तो क्या संकेत है, और इनसे जुड़े विस्तृत वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यह वीडियो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अनेक लोगों ने इन वीडियो को देखकर फायदा उठाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि ऐसी जानकारियां किसी को भी
मिल जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल पर एक प्रतियोगिता चल रही है कि जो भी व्यक्ति कमेंट में सबसे ज्यादा बार राम का नाम लिखेगा उस व्यक्ति को हमारे द्वारा चुना जाएगा और राम नाम का सौभाग्य जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है उस व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। तो आप भी इस वाक्य को लिखते जाएं तो निश्चित तौर पर आपका भी बेड़ा पार होगा और आपको कभी भी असफलता देखने को नहीं मिलेगी।